तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरह से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। इस बार वार गेम में होने वाले दो मैचेस को यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाएगा, ये तो यहाँ पर कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लॉगन पॉल ने आखिर ट्रिपल एच के बारे में और दी रॉक के बारे में आखिर क्या कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेफनी मैकमैन एक बार फिर से WWE में रिटर्न करने वाले हैं, आखिर किस कैरेक्टर के साथ। और वहीं गोल्डबर्ग को लेकर काफी रूमर्स आ रहा है कि गोल्डबर्ग यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ निक्की बेला के डाइवोर्स को लेकर, इनका डाइवोर्स होगा या फिर नहीं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही न्यूज अपडेट और रूमर्स देखने के लिए WWE की तरफ से। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं वार गेम को लेकर, यहाँ पर दो मैचेस को यहाँ पर पोटेंशियल है, ये दो मैचेस यहाँ पर जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर पहला मैच हमें देखने को मिल सकता है रिया रिपली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच, और जो सेकंड मैच हमें देखने को मिलेगा होगी यहाँ पर एक तरफ सोलो सिकोवा की टीम होगी और दूसरी तरफ होगी रामरेज की न्यू ब्लड लाइन टीम। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट ये रहे पूरे रामरेज की फैमिली, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सारे मेंबर यहाँ पर ब्लड लाइन में काम कर चुके हैं। तो गाइस इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 रेसलर से भी ज्यादा इनके फैमिली में इस समय रेसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि सोलो सिकोवा हो गए, रामरेज हो गए, जिमी उसो, जे उसो, दिरॉक हो गए, तामा लोंगा, उसके बाद जैकॉफ फातू। उसके बाद नेक्स्ट गाइस तो यहाँ पर गोल्डबर्ग को लेकर काफी सारे रूमर्स निकल के आ रहा है कि गोल्डबर्ग भी रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि गाइस आप इसको रूमर्स ही मानिए, अभी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। स्टेफनी मैकमैन को लेकर तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका भी रिटर्न होने वाला है और न्यू कैरेक्टर के साथ। वैसे स्टेफनी मैकमैन जब भी थी WWE के लिए तो उन्होंने काफी यहाँ पर अपना कुछ दिया था WWE के लिए। तो गाइस आज एग्जैक्टली 1 साल हो चुके हैं यहाँ पर UFC और WWE को एक साथ मर्ज हुए, दोनों रेसलिंग इंडस्ट्री को इस समय TKO टर्नओवर कर रहा है। उसके बाद गाइस काफी सैड न्यूज है यहाँ पर माइक टेलर को लेकर, माइक टेलर का यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं, जिनका एज था इस समय 47 ईयर ओल्ड, यानी कि गाइस 47 साल की एज में ही इनका डेथ हो चुका है। उसके बाद गाइस जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात किया था कि न्यू पोस्ट यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया था स्मैकडाउन और रॉ के लिए, आप देख सकते हैं इस समय करंट WWE रॉ रोस्टर के लिए इतने सारे रेसलर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये रहे स्मैकडाउन के सारे रेसलर जो कि इस समय रेसलिंग में फाइट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बटिस्टा का कमेंट आता है कि अगर वो हॉलीवुड में काम नहीं कर रहे होते तो यहाँ पर WWE में जरूर से जरूर काम करते, और उनको WWE में काम करने से काफी मजा आता था, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी यहाँ पर WWE में ही दाव खेल दिया है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर लॉगन पॉल का कमेंट आता है ट्रिपल एच को लेकर कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस समय वो पार्ट टाइम रेसलर बन चुके हैं यहाँ पर दी लॉगन पॉल। वैसे अगर इस समय बात की जाए तो यहाँ पर दी रॉक सबसे बड़े पार्ट टाइम रेसलर बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है गुंथर को लेकर, गुंथर इस समय यहाँ पर काफी समय हो चुके हैं इनको यहाँ पर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीते हुए, गुंथर समय स्लैम से ही चैंपियन है और उनका ये मानना है कि वो इसको काफी लंबा ले जाने वाले हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आज है यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पर कोडी रोड को, इनको एग्जैक्टली 11 साल हो चुके हैं शादी किए हुए एक दूसरे से। गाइस यहाँ पर कोडी रोड के वाइफ का नाम है ब्रांडी रोड। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जो निक्की बेला का यहाँ पर डाइवोर्स होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। एग्जैक्टली आखिर इसके पीछे क्या रीजन है हमें तो नहीं पता, पर ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो डाइवोर्स होने वाला था वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो गाइस यही रहे आज की कुछ न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।